तांडव रचिछि ग्लेसियर। 19 जनक मृत्यु और 200 अधिक निखोज, मृत्यु संख्या बढ़िबार आशंका। उद्धार कार्य नियोजित जवान। उत्तराखंड चमोली जिलार जोशीमठ ठारे नंदादेवी पर्वतर भयंकर हिमस्खलन घटना रे सोमवार सुद्धा 19 जनकर मृतदेह उद्धार होइतिबा बेले 200 अधिक जन निखोज अछन्ति। मृत्यु संख्या बढ़िबार आशंका रहिछि। भूस्फलन जोगु गंगार उपनदी धौली गंगारे एवं अलकानंदारे बन्या परिस्थिति देखादेइछि। तपोवन रेनीरे चालितिबा ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्टरे काम करुथिबा 150 जन श्रमिक निखोज थिबार जनापड़िछि। तेबे तपोवन डैम पाख टनेलरे पाखापाखि 34 जन कर्मचारी फसी रहिछन्ति बोली आशंका करा जाउछि। आगरु 16 जनकु उद्धार करिछन्ति आईटीबीपी जवान। निखोज लोकमानंकर सूचना पई एनटीपीएस सहित आलोचना चालिछि बोली सूचना मिलिछि। सेहिपरि घटनास्थल रे नौसेनार 7 टीम मध्ये मृतयन करा जाइछि। MI-17 एवं चिनुक हेलिकॉप्टर द्वारा उद्धार कार्य और रिलीफ बंटन आरंभ करा जाइछि। आईटीबीपी जवान माने तपोवन टनेल भितरे प्राय 70 मीटर पर्यंत प्रवेश करिबाकु सक्षम होइछन्ति। आहुरी 180 मीटर पर्यंत आगुकु जिबाकु पड़िबो। एहि भयंकर हिमस्खलन जोगु एतिरे ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट संपूर्ण धोइ जाइतिबा बेले सेठारे कार्य करुथिबा अनेक लोक निखोज अछन्ति। बरफ अतड़ा खसिबा जोगु जोशीमठ अंचल ठारु 24 किलोमीटर दूरे थिबा रेनी ग्राम धोइ होइ जाइतिबार सूचना मिलिछि। एहि घटना परे उत्तराखंड रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। ता सहित गंगा नदी कूळरे थिबा समस्त जिल्लार जलस्तर वृद्धि उपरे नजर रखिबाकु निर्देश दिया जाइछि। NDRF, SDRF एवं PS फ्लड कंपनी को अलर्ट रहिबाकु कुहा जाइछि। जल प्रलय द्वारा जोशीमठ मलारिया ब्रिज और निकटरे थिबा घरगुडीक मध्य धोइ जाइछि। ता सहित तळिया अंचलरे थिबा जनबसति पई बन्या भय सृष्टि होइछि। एथिपाई नदीकूल पाखरे थिबा गाँ लोकमानंकु सुरक्षित स्थानकु स्थानांतरित करा जाउछि। जो का जो आकलन है करीब 34 लोग फंसे हैं इस टनल में, तो उनको रेस्क्यू करना अभी प्रेजेंट चैलेंज है। हमारा सबसे इमीडिएट चैलेंज वही है कि हम इसको रेस्क्यू करें। तो उसमें जैसा आपने देखा कि वो काम चल रहा है। अभी हम लोग करीब 70 मीटर तक अंदर गए हैं टनल के। करीब 180 मीटर हमको और जाना है, तब जा करके हम एक बेंड पर आएंगे और उस बेंड के बाद शायद ये मलवान नहीं हो तो हमारे जो लोग हैं वो उस बेंड के बाद होंगे, ये हम लोग का अनुमान है। अभी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो किस तरह से हम ये डिसिल्टिंग करें, किस तरह से मलबा और तेजी से निकालें, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है अपने पदाधिकारियों के साथ। अलकानंदा और धौली गंगा रे वाटर लेवल नॉर्मल ठारु 1 मीटर उच्चरे चली, किंतु जल प्रवाह धीरे धीरे कमुची बोली राज्य सरकार तरफ सूचना मिली। ता सहित दुर्घटना रे फसी रहितिबा लोकंक पई हेल्पलाइन जारी करिछंती मुख्यमंत्री। आईटीबीपी डीजी एसएस देसवाल को सूचना अनुसार धौली गंगा नदी 9-10 जनक मृतदेह ठाबो करा जायछि। उद्धार कार्य पई 250 जन आईटीबीपी जवान मृतान होइतिबा बेले आर्मी टीम खूब शीघ्र पहुंचिबो बोली जणा पडिछि। तेबे एही घटना रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समेत गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य दुख प्रकाश करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।